सो हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज है 13th of January और आप ये वीडियो देख रहे होगे 14th of January को। तो हैप्पी मकर संक्रांति यार, मुझे डेट याद नहीं है, 14 जनवरी को होती है, 16 जनवरी को होती है, फिर भी हैप्पी मकर संक्रांति। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अपन जो ये कैफे रेसर अपन बना रहे हैं उसमें अपन टेल लाइट और इंडिकेटर इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैं कौन से इंडिकेटर और टेल लाइट यूज़ करने वाला हूँ। देन कुछ बात करनी है सीट से रिलेटेड, क्योंकि जो मैंने सीट आपको पहले फ़ोटो दिखाई थी ये वाली, वो इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है। बट जैसे कि मेरी हाइट है 6'1", तो मुझे बैठने में दिक्कत आ रही थी इसमें। मतलब ऐसा मुझे जो पीछे का ये जो पोर्शन उठा हुआ है थोड़ा सा उससे उस वहाँ पास बैठना पड़ता है, तब जाके मेरे गियर और ब्रेक्स में पैर पहुँचते हैं। तो ये दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपको पहले भी यही फ़ोटो दिखाई थी और बोला था इस तरह बनाने को, तो उन्होंने गलत बना दी थी। देखते हैं अब उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अपन को रैगजीन जो ऊपर की है वो पूरी बदलनी पड़ेगी। अपन ये सीट चेंज करेंगे, फ़ोम तो अपन कर सकते हैं, जो फ़ोम यूज्ड है उसी को अपन ठीक से बना के उसे बना सकते हैं। आपको वो फ़ोटो दिखा रहा हूँ जो जिस तरह की मुझे सीट बनवानी है, अब इसी तरह की सीट अच्छी भी लगेगी। और चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिकेटर कैसा लिया है मैंने। ये इंडिकेटर मुझे पड़ा था 550 का। मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ आप लोगों को, हर वीडियो में मैंने जिक्र किया है, चाहे वो मडगार्ड का हो या फिर जो मैंने डुअल इंडिकेटर वाले एक टेल लाइट दिखाई थी उसमें, कि मैं यही वाला टेल लाइट या बैक लाइट यूज़ करने वाला हूँ। तो फाइनली मुझे ये मिल गई थी, मैंने बताया था पहले भी, तो अभी ये इंस्टॉल हो गई है। देन इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर मैंने ये वाले लिए हैं, इन्हें हार्ले डेविडसन टाइप के इंडिकेटर बोलते हैं, या फिर शायद एवेंजर्स में इंडिकेटर इस तरह के आते हैं, तो ये वो इंडिकेटर्स हैं। ये मुझे पड़े थे 350 के दो, तो टोटल मुझे 700 के ये दोनों सेट पड़े हैं, मतलब चार मैंने लिए हैं तो 700 के पड़े हैं। और ठीक है, मतलब टेल लाइट से ज़्यादा महंगे अपने इंडिकेटर पड़े हैं, बट उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब मेटल के हैं और इसके सस्ते भी आते हैं। इसमें मिनिमम 200 के आपको दो पड़ जाएंगे, तो वो आपका 400 में ही काम हो जाएगा इंडिकेटर का, बट वो प्लास्टिक के रहते हैं, बाकी सब सेम रहता है। बट अगर लगा रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे में जाना, क्योंकि क्या मतलब 200 का आप लगाओ और कहीं गाड़ी गिरे या फिर टच हो और वो टूट जाए, फिर आपको 200 लगाओ, तो ऐट दी एंड आपको उससे महंगा ही पड़ेगा। इससे अच्छा आप लोहे का ही लगवा लेना तो अच्छा रहता है। तो चलिए मैं आपको अब इन सबको फ़िट करके दिखाता हूँ, देन अपन थोड़ी सी बात करेंगे आगे। तो अब अपने जो मीटर हैं और इंडिकेटर हैं फिट होने के बाद ऐसे कुछ लग रहे हैं फ्रंट साइड में, और मीटर, हेडलाइट और इंडिकेटर्स अब जो सेट हो गया है फ्रंट में, तो अब जो अपनी गाड़ी फ्रंट साइड से भी थोड़ी सी भरी भरी लग रही है। मतलब जब मैंने पहले सिर्फ हेडलाइट लगाई थी तो सच में ऐसा ही लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है हेडलाइट लगा के, बट अब ठीक है। अब अपन को सिर्फ एक काम करना है फ्रंट साइड में, दो काम करने हैं। पहले तो अपन को वो कैफे रेसर का एक्स बनाना पड़ेगा, और अगर हेडलाइट को जैसे वो येलो कलर की फिल्म चढ़ती है फॉग टाइप में, फॉग लैंप में जिस तरह होती है, वो अगर चढ़वाएंगे अपन तो वो करेंगे और एक्स बनवाना है। एंड देन जो एवेंजर का या फिर कस्टम मेड जो वाइज़र आता है वो अपन लगाएंगे, जिससे थोड़ा सा जो गाड़ी का भरा भरा लगे फ्रंट साइड। और देखते हैं क्या करते हैं अपन आगे, क्योंकि कैफे मतलब मुझे ऐसे दो तीन लोगों ने सजेस्ट किया कि यार वाइज़र लगाना तो गाड़ी का लुक और अच्छा आएगा। मैं आपको दो तीन फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, मैंने ये इंस्टाग्राम में रेंडमली मुझे मिल गई थी गाड़ी, और बहुत ही प्यारी तरीके से इन्होंने मॉडिफ़ाई किया है। मैंने इसमें इनकी प्राइस वगैरह पूछी कि यार कितने की बनाई है, तो उन्होंने बताया कि 55,000 उन्होंने अभी तक लगा दिया है इस बाइक में, और ये बाइक शायद तक हंक थी ओल्ड मॉडल, तो अच्छा है, बहुत मेहनत किया है उन्होंने, बहुत प्यारी गाड़ी बनाई है। तो इस तरह का वाइज़र मैं कुछ सोच रहा था सामने के लिए। एंड बात करें पीछे साइड के लिए, तो पीछे साइड का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, अपनी जो टेल लाइट है वो अच्छे से सेट हो गई है। मैं यही टेल लाइट यहीं पर सेट करवाना चाहता था, जो भैया थे जिनसे यहाँ बनवा रहा हूँ मैं, उन्होंने बोला थोड़ा सा नीचे सेट करवाते, बट वो फिर लुक अच्छा नहीं आता, मुझे पता था, क्योंकि जो अपनी टेल लाइट है वो फिर झुक जाती, और झुके हुए हैं तो फिर क्या मतलब, लाइट तो जलेगी पर वो दिखेगी नहीं सामने वाले को कि जल रही है कि नहीं, तो वो था। इसलिए मैंने सीट के जस्ट बैक में लगवाया,
देन इसी में आप जहाँ पे ये आप देख रहे हो एक ठो प्लेट है, उसी में आप जो अपनी RTO की नंबर प्लेट है वो इंस्टॉल करवा सकते हो। एंड इंडिकेटर हमारे कहाँ फिट है ये मैं बता देता हूँ। जो आप मडगार्ड है ना, मडगार्ड में मैंने पहले भी बताया था कि होल थे, क्योंकि रॉयल इनफील्ड के फ्रंट वाले मडगार्ड है तो उसमें जो क्लैंप लगा रहता है जिससे वो व्हील्स में अटैच रहता है, मतलब जहाँ वो फिट रहता है रॉयल इनफील्ड में, तो वो उसमें होल थे। तो अपन के दोनों इंडिकेटर एकदम अलाइनमेंट के साथ और उसी में सेट हो गए, तो अपन को होल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। होल आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ टेल लाइट में, मतलब आप पूछो अगर कि जल रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं या कि नहीं, तो काम तो कर रहे हैं बट मैं भी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे जो बाइक है मैंने पहले बताया था कि बैटरी नहीं है, बैटरी उसकी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने पहले भी आप लोगों को हेडलाइट जब फिट करवाया था तो भी जला के नहीं दिखाया था। तो यही था। और बता देता हूँ एक और चीज़ थी कि अपन ने जो पहले मैंने बात की थी कि अगर आप अपनी जो हेडलाइट है वो थोड़ा सा ऊपर करवाना चाहते हो या फिर मीटर इंस्टॉल करवाना चाहते हो, तो आपको आपका जो कंपनी से स्विच आता है इग्निशन स्विच वो हटाना पड़ेगा, उसकी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। तो मैंने पोजीशन चेंज कर दी है, मैं दिखाता हूँ मैंने कहाँ इंस्टॉल किया है। तो राइट साइड में फ़िट करवाया है इंजन के पास, इंजन अब जो चेचिस होती है जहाँ पे जुड़ता है और जहाँ पे अपनी टी होती है शॉकअप्स की, वहाँ पे फ़िट करवाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लुक अच्छा आ रहा है गाड़ी का और वो प्यारा भी लगेगा। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और इंस्टॉल होने के बाद सब कुछ के एक वीडियो मैं ऐसी बना दूंगा जिसमें मैं सिर्फ यही बात करूंगा कि सारे जो मीटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, टेल लाइट है, वो वर्किंग है या नहीं है, आपको वो सारे डाउट क्लियर करने के लिए, है ना। तो ये मत सोचना कि वो मैं सिर्फ फालतू के लगा रहा हूँ और जलाऊंगा नहीं या फिर वो वर्किंग नहीं है, वो सब दिखाऊंगा। बट एक प्रॉब्लम थी बैटरी की, तो वो जब सॉल्व हो जाएगी तब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो यार। और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं इसी तरह की कैफे रेसर से रिलेटेड वीडियोज़ अभी बनाता रहूँगा क्योंकि अभी तो यही मेरा एक प्रोजेक्ट है। बाकी फ्यूचर में कौन सी बाइक पर काम करेंगे अपन या फिर कुछ दूसरा काम करेंगे वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच यार।